अरे लियाकत खान वल्द मोहम्मद सदाकत खान, आपका निकाह नसीम बानो बिनते मोहम्मद उस्मान खान के साथ 1,01,001 रुपया सिक्का रायजुल वक्त बतौर मेहर के तय पाया है। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। मुबारक। अरे वाह, मुबारक हो चाचा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे हो गया, हो गया, हो गया। नसीम बानो बिनते मोहम्मद उस्मान खान, आपका निकाह लियाकत खान वल्द मोहम्मद सदाकत खान के साथ 1,01,001 रुपया सिक्का रायजुल वक्त बतौर मेहर के तय पाया है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। दस्तखत कर दीजिए। मुबारक हो। अरे वाह, क्या बात है। अरे भैया आराम से फेंकना हो वहाँ। चलिए, नसीम की शादी तो हो गई, खुशबू की भी हो जाएगी। पता नहीं हमारे नसीब में क्या है। देखो सिमरन। क्या कहा? सिमरन, सिमरन। देखो अब हम बच्चे तो नहीं रहे, बच्चे क्या जवान भी नहीं रहे। शायद मैं तुम्हें समझ भी लूं, पर डरता हूं ये रिश्तों की जिम्मेदारी मैं निभा पाऊंगा या नहीं। मतलब? दिल की बीमारी है, न जाने कब ये कमबख्त धड़कना बंद कर दे। रिश्ते में जो मैंने से कसम ईमानदारी की, मरने वरने की बात मत कीजिए। सिम जा रहा है ठाकुर। जी तो करता है तुम्हें जाने ही ना दो, रोक लो, कितने वर्षों बाद आए हो। लेकिन एक बात तो जरूर है, इन चंद दिनों में ऐसे लगा जैसे जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। जाना तो पड़ेगा ही दोस्त, तू सच कह रहा है, लेकिन क्या करें, जिंदगी की और भी सब खैरियत नहीं, कुछ नहीं। मैं कह रहा था जिंदगी की और भी सच्चाइयां हैं, काम काज है, बच्चों के स्कूल है, तो इनसे तो कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। अर्जुन मत जाना। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है सारा घर काटने दौड़ेगा। नवाब की बेटी, ये झुमका मैं रख लूं? क्यों? हाँ, कैसे? बहुत मजा आया। तैयार। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ आप और परवीन कुछ दिन आराम करने के लिए ही बम्बई आ जाइए। कसम इमामबाड़ी की, हमें भी जाना है बम्बई। हाँ हाँ, अब तुम्हारे लिए तो जाना ही पड़ेगा। क्यों भैया? हाँ, हम तो यहाँ आने की सोच रहे हैं। अरे बात बिल्कुल। तुम उस दिन क्या कहने वाले थे? मुझे लगा तुम समझ गए होगे। सुनना चाहती हूँ। एक बात कहो, तुम अपने आप को हमें कहो, अच्छा लगता है। अब हमारे निकलने का वक्त हो गया, वरना हम फ्लाइट मिस करेंगे। हाँ, टाइम हो गया।
चलो आ गए सब। अरे कहाँ है अंजलि, कहाँ है नीलिमा, कहाँ है बुला आई रहे पिताजी। अरे आ रही क्या, चार्टर्ड फ्लाइट है क्या? अंजलि नीलिमा चलो बताओ ना क्या कहने वाले थे। जिद है? हाँ है। ठीक है। ताज्जुब की बात है ऐसे अचानक दोनों किडनीज का फेल हो जाना। मैं आप लोगों को झूठा दिलासा नहीं देना चाहूंगा। ही इज वेरी सीरियस। अब तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या परवरदिगार, मेरे यार पर रहम फरमा। मैं आपको इनके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट दे दूंगा। डोनर ढूंढना होगा इमीडिएटली। आप यहाँ के अस्पतालों में ट्राई कीजिए, न्यूज पेपर्स में एड दीजिए, यू कैन ट्राई इंटरनेट ऑल्सो। आज तक न सर्दी न खांसी की शिकायत की और आज आज अचानक क्या हो गया? आज आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो बेटा, अपनी माँ और चाची से अभी इस बारे में कुछ मत कहना, बेकार परेशान होंगे। मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम लोग जाओ और यहाँ के हॉस्पिटल्स में इंक्वायर करो। जी हुँ? चलो चलो, चलो। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। कोई फिक्र की बात नहीं है भाभी, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। अब आप लोग घर जाइए। नहीं, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है बेटा। जी। इन्हें घर ले जाओ, शाम को ले आओ। चलिए भाभी प्लीज। चलिए जाओ बेटा जाओ। पापा ठीक तो है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तू भी अब घर जा, माँ का ख्याल रखना। यशा ठीक है? अरे ये क्या नवाब साहब, अगर आप ही टूट जाएंगे तो कैसे चलेगा हैं? और बात उतनी भी गंभीर नहीं है कि आप उम्मीद ही खो दें। बात तो उम्मीद खोने की नहीं है डॉक्टर, मेरा शंकर मेरे लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। अगर वो हिम्मत ही डगमगा गई तो मैं मेरे शंकर को कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखिए,